मैम बनी हो सबसे पहले तो फिल्म रिलीज काफी कंट्रोवर्सी जुड़ चुके हैं लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कर रही है, ऑडियंस को पसंद आ रही है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह की सबसे पहले तो जानना चाहेंगे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है और काफी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ चुकी है फिल्म के साथ, तो किस तरह से टैकल करना पड़ा स्टार्टिंग में आपको फिल्म के साथ? देखिए, फिल्म को रिलीज करने में हमें बहुत ज्यादा कठिनाई हुई, जैसा कि आप जानते हैं 11 महीने केस चला फिल्म पर, उसके बाद सबसे पहले तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है और फिल्म के साथ काफी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ चुकी है, तो स्टार्टिंग में जब कंट्रोवर्सीज हुई तो आपने टैकल कैसे किया? फिल्म को रिलीज करने में हमें काफी मुश्किलें आई, लेकिन एक बार फिल्म थिएटर में लग गई तो फिर तो हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ऑडियंस से। अभी जो कठिनाई आई वो क्योंकि केस था, फिल्म के खिलाफ एक केस था जो हमने 11 महीने लड़ा बॉम्बे हाई कोर्ट में, और जो फिल्म को गो हेड मिला वो बस रिलीज डेट के 3 दिन पहले मिला, तो हमें बस 3 दिन मिले पूरी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन टैकल करने में, तो इससे कुछ असर तो पड़ा है फिल्म के बिजनेस पर, काफ़ी असर पड़ा है, फिर भी एक अच्छे वर्ड ऑफ माउथ से हमें सफलता मिली है बॉक्स ऑफिस पे। किसी का कॉम्प्लीमेंट मिला है कि अच्छे फिल्म है? बिल्कुल, मुझे मेरा, केकेजी का, टिस्का का, वाईकॉम के लोगों का, अभी फोन बजते ही जा रहा है, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, एसएमएसेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ रहा है, फेसबुक पे आ रहा है, कि सबको फिल्म बहुत पसंद आ रही है। जिसका आपसे जानना चाहेंगे, जब पहली बार आपको स्क्रिप्ट ऑफर हुई थी तो आप जानते थे कि इतनी कंट्रोवर्सीज के साथ जुड़ने वाली है, आरुषि के मर्डर केस पर जो कहानी है, तो क्या ज़हन में आया और कैसे एक्सेप्ट किया आपने ये? मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी, मेन बात है कि स्क्रिप्ट का बिगिनिंग, मिडिल और एंड तीनों बहुत ही बेहतरीन था, और मनीष का मैंने थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया तो मुझे वो भी काफ़ी ठीक लगा, बहुत ही अच्छे कलाकार फिल्म में जुड़े हुए हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगा, और जो किरदार फाइनली मैंने किया वो मेरे करियर में अब तक मैंने नहीं किया था ऐसा किरदार, तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बातें थी, और यही वजह थी, ये कोई नहीं सोचता साइन करते टाइम फिल्म के, फिल्म का हम शूटिंग डेट्स होती हैं हमारी, अलग अलग तरह के मसले होते हैं, ये नहीं सोचते कि ये फिल्म कॉन्ट्रोवर्सी से जुड़ जाएगी और ये होगा, वो शुरुआत में किसी को आइडिया नहीं होता कि क्या होने वाला है, पर जो भी हो रहा है अल्टीमेट बात तो ये है कि फिल्म बहुत अच्छे से चल रही है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है, परफॉर्मेंसेज, कहानी, स्क्रीन प्ले, उसका शूटिंग, कैमरा वर्क, हर चीज़ पसंद आ रही है, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग जो एक एक्टर को चाहिए होती है, एंड वी आर रियली हैप्पी अबाउट इट। फिल्म में आप माँ का किरदार निभा रहे हो, तो इससे पहले आप तारे ज़मीन पर फिल्म में माँ का किरदार निभा चुके हो, तो इस फिल्म के लिए आपने कितनी मेहनत करनी पड़ी, कोई रिसर्च करनी पड़ी आपने? नहीं, मैं खुद एक माँ हूँ तो ऐसे एज सच कोई रिसर्च नहीं करनी पड़ती माँ का किरदार निभाने के लिए, एक इंसान को जीता जागता इंसान बनाने के लिए जो पेपर पे लिखा हुआ है उससे उसको 3D बनाने के लिए जो सोचना पड़ता है, मनीष ने बहुत मेहनत की हुई थी उसके ऊपर ऑलरेडी मेरे लिए, उनका दिमाग मैंने काफ़ी खाया और उन्होंने खाने दिया, ये बड़ी बात है, और उनके पास मेरे हर सवाल का जवाब था, और थैंकफुली एक आई एम नॉट एट ऑल एम्बैरेस्ड अबाउट माई परफॉर्मेंस। अच्छा ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे, आप एक कॉप का किरदार निभा रहे हो, तो पहले आपको सारे विलन्स के जो किरदार थे वो ऑफर्स हुए थे, पर ये किरदार को कैसे एक्सेप्ट किया, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद आप स्क्रीन पर दिखाई दिए हो, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप एक कैरेक्टर में क्या देखते हो आप? लंबे समय से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हूँ ये तो गलत बात है, अभी भी हैदर हुई थी, बेबी हुई थी, तो अगर आप नकारना चाहते हो अलग बात है, बट ये है कि मैं रोल नहीं निभाता, मैं किरदार निभाता हूँ, मैं कॉप नहीं निभाता, मैं सुनील पारस्कर निभा रहा था, तो जब भी मैं किसी चीज़ को निभाता हूँ तो इंसान को निभाता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि उस इंसान को पेश करूँ, रोल जो है बहुत सीमित होता है, वो आप कॉप हो, लॉयर हो, टीचर हो, जो भी हो, आप गिन सकते हैं 25,000 रोल्स होंगे, लेकिन जो इंसान है वो अनगिनत है, तो दो कॉप जो सुनील है और एक अनिल है, तो मैं अनिल और सुनील को पेश करूँगा, कॉप को नहीं, तो मेरा वो हमेशा से मानना रहा है कि एक्टिंग के समय आप इंसान को पेश कीजिएगा, रोल को मत पेश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कॉप को करोगे तो वही अपना पुराना स्टाइल में लेफ्ट हैंड पे आप डंडा मारते रहोगे, तो उससे कुछ होगा नहीं, तो वही कर रहा था मैं, और सुनील पारस्कर बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार लगा मुझे, काफ़ी सीधा सोचने वाला बंदा नहीं था, थोड़ी अपनी उसके अंदर एक मैडनेस थी, जो पेश करने में बहुत मज़ा आया।
अच्छा, हम मनीष जी के साथ आप पहले भी काम कर चुके हो, तो इस बार का एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ काम करने का और कितना मेहनत करनी पड़ी? मनीष बहुत ज़्यादा मेहनती है और उनका फोकस सिर्फ अपने फिल्म पे होता है और बाकी किसी चीज़ पे नहीं होता, जो आजकल दिखाई नहीं देता ऐसी चीज़ें, क्योंकि लोग जो हैं अक्सर बाकी चीज़ों पे फोकस करते हैं और अपने फिल्म पे कम, वो हम देखते हैं यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में, और इसलिए ऐसी फिल्में बनती भी हैं जो जो उस प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे एकदम विपरीत स्थिति है, यहाँ पे एक डायरेक्टर है जो जिसका फोकस सिर्फ अपनी फिल्म पे है। अब आप इसको ऑब्सेसिव कहे, पजेसिव कहे, जो भी कहे, एक बहुत ही अच्छा गुण है, मेरे ख्याल से इसको बरकरार रहना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। कल के डेट में हो सकता है कि बहुत बड़ा बन जाए, पर उसके बावजूद मैं इतना ही एडवाइस करूंगा मनीष से कि ये जो क्वालिटी है उसको बरकरार रखें। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने ये फिल्म जो है आरुषि की फैमिली को भी दिखाई थी, तो उनका क्या रिएक्शन था इसके लिए? हाँ, मैंने स्क्रीनिंग रखी थी आरुषि की फैमिली के लिए, उनकी चाची, आरुषि की चाची मिसेज वंदना तलवार आई थी फिल्म देखने के लिए। मैंने स्क्रीनिंग इसलिए रखी थी उनको तसल्ली दिलाने के लिए कि देखिए ये आपके केस से मिलती जुलती नहीं है, हो सकता है कि इसमें कुछ सिमिलैरिटीज हों, कुछ समानता हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि ये फिल्म आपके केस पर आधारित है। तो क्योंकि मैं यही जैसे कि मैं पहले से कह रहा था कि ये काल्पनिक कहानी है, पर फिल्म देखने के बाद मिसेज वंदना तलवार को तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने फिर भी यही कहा कि ये हमारे केस से मिलती जुलती है। उसके बाद उन्होंने हमें दो बुक्स दी, दो किताबें जो उन्होंने लिखी थी। इन किताबों में ये लिखा है कि जो आरुषि के पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल ही बेकसूर हैं, और एक करप्ट सिस्टम जिसमें CBI, पुलिस, जुडिशरी भी इन्वॉल्व है, उन्होंने उन्हें विक्टिमाइज किया है, उनका ये कहना है, उनका ये दृष्टिकोण है। तो इस दृष्टिकोण को दिखाते हुए उन्होंने दो किताबें लिखी है जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए। अंदर से खोलता हूं तो आप देखेंगे इसमें मिसेज वंदना तलवार का नाम दिया हुआ है, एज ऑथर, लेखक का नाम दिया हुआ है मिसेज वंदना तलवार। तो वे चाहते थे कि मैं इन फैक्ट्स को अपनी मूवी में एब्जॉर्ब करूं। मिसेज वंदना तलवार ने यह कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी असली कहानी कोई फिल्म मेकर दर्शकों को दिखाए, दुनिया को दिखाए, इंडिया को दिखाए, पूरे देश को दिखाए, हमारी असली कहानी। तो मैंने तो ये कहा कि मैं अब फिल्म बना चुका हूँ, अभी इसमें कोई और मेरा कोई इरादा नहीं है ऐसा कि मैं किसी के लिए कोई डिफेंस केस बनाऊँ या किसी केस पर आधारित कोई फिल्म बनाऊँ। मैंने एक फिल्म बनाई है जो काल्पनिक कहानी है और वो लोगों के मनोरंजन के लिए बनाई है, तो मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है। तो उनको ये कुछ विश्वास नहीं हुआ इस पर, और उन्होंने फिर केस को और ज्यादा एग्रेसिव तरीके में लड़ा। फिल्म का सब्जेक्ट जो है काफी मुश्किल था, तो स्टार कास्ट कैसे फाइनल किया आपने, किस तरह से मेरी स्टार कास्ट जो मैं फाइनल करता हूँ, बहुत सिंपल तरीका है, KK जी तो मेरी हर फिल्म में होते ही है मोस्टली, और अभी से टिस्का चोपड़ा भी, अभी क्योंकि मुझे डंडा पड़ा है इनसे, इसलिए अभी से हर फिल्म में ये इनकी भी कास्टिंग होगी। तो क्या होता है, अक्सर हमारे बॉलीवुड में एक सर्कल होता है, जो मैं कैंप नहीं कहूंगा, वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का सर्कल होता है, क्योंकि मैं KK जी की के काबिलियत को, उनके अभिनय को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए मैं उन्हें कास्ट करता हूं। मेरी इनसे कोई दोस्ती नहीं है, बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरी इनसे दोस्ती है, मेरी इनसे कोई भी दोस्ती नहीं है। मैं इनको सालों साल मिलता नहीं हूं, हमारी मुलाकात नहीं होती, कभी फोन पे बात नहीं होती, कभी SMS नहीं होता। जब मैं फिल्म बना रहा होता हूं और मैं डिसाइड करता हूं मुझे KK मेनन को कास्ट करना है, तब मैं इन्हें कॉल करता हूं, हम तब मिलते हैं। तो ये इस तरह से कास्टिंग का प्रोसेस है, अभी से यही प्रोसेस टिस्का चोपड़ा के साथ भी होने वाला है। अच्छा, आखिर में जाते हैं, मैं फोन कर सकती हूं? बिल्कुल, SMS कर सकती हूं? वैसे टिस्का चोपड़ा कहीं कुछ ज्यादा सोशल है मेरे और KK जी के तुलना में, क्योंकि मैं और KK जी जो है हम लोग बिल्कुल ही सोशलाइज नहीं करते, हम बस अपने काम से मतलब रखते हैं, हम ज्यादा हमारी सोशल लाइफ नहीं है, बट डिस्का जी काफी एक्टिव हैं अपने सोशल सर्किट में, तो इनके साथ एक अलग तरह की इक्वेशन है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि डिस्का के साथ आप फिल्म करना चाहते हो, तो उस फिल्म के बारे में कुछ सोचा है आपने? हाँ, सुनंदा पुष्कर। नहीं, ये मजाक कर रही हैं,
देखिए है मेरे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में, लेकिन मुझे बिल्कुल ही समय नहीं मिल पाया है उन्हें आगे लेके जाने का, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मैं पिछले 11 महीनों से बस केट कोर्ट कचहरी के चक्कर ही मारता आया हूँ, तो मुझे कोई और दूसरा प्रोजेक्ट चालू करने का मौका नहीं मिला है। आखिर में जाते आते ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे फिल्म के? यही कि फिल्म देखिए और इसको एंजॉय कीजिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एक बहुत ही डिफरेंट मर्डर मिस्ट्री है ये, जिसमें एक साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है ये इंडिया में पहली बार दिखाया गया है।